कैंडिडेट रहे हैं वो लगातार यहाँ रहेंगे, अगर मेरे पास कोई आता है पंजीकरण के लिए किसान तो मैं आपको सीधा यहाँ दे, ठीक है, तो आप उसका पंजीकरण कर दूंगी, ठीक। किसानों के लिए राहत देने वाली आई बड़ी खबर, किसान भाई सरकारी केंद्रों पर धान बिक्री हेतु पंजीकरण करा लें। शासन की मंशा के अनुरूप सरकारी मूल्यों पर धान बिक्रय हेतु कृषि उत्पादन मंडी समिति कार्यालय पर पंजीकरण कैंप लगाया जाएगा, जिसमें किसान भिन्न भिन्न चार तिथियों में निःशुल्क रूप से अपना धान बिक्री हेतु पंजीकरण करा सकते हैं। उक्त बात बुधवार को स्थानीय कृषि उत्पादन मंडी समिति का औचक निरीक्षण करने पहुंचे सभापति मंडी उप जिलाधिकारी नेहने राम ने कही। उन्होंने मंडी समिति अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, मंडी का सभापति होने के नाते आज मैंने मंडी का निरीक्षण किया, साफ सफाई और अन्य बिंदुओं को भी देखा है, सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी देखा है। साथ ही आपको एक महत्वपूर्ण सूचना ये देना है कि दिनांक 7 तारीख को, 11 तारीख को और 13 तारीख को, 18 अक्टूबर को हमारे मंडी में जो है धान विक्रय के लिए पंजीकरण केंद्र खुल गया है। तो हमारे जितने भी किसान भाई हैं वो निःशुल्क आकर के मंडी में अपना धान का पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए किसानों को क्या अपनी खतौनियाँ लानी होंगी, खतौनी और आधार कार्ड और बैंक की पासबुक, और वो बैंक की पासबुक वो होनी चाहिए जिसमें उनका मोबाइल नंबर, वो आधार उस बैंक के खाते पर लिंक हो। सर किसी तरीके निर्देश दिए गए हैं? हाँ, आज सचिव साहब को और इनको निर्देश ये दिए गए कि मंडी का जो हॉल है उसमें 4-5 कंप्यूटर सेट्स की व्यवस्था की जाए, वो नेट से युक्त हों और जो भी किसान आए उनको बैठने की प्रॉपर व्यवस्था हो, उनके पेयजल की पानी पीने की व्यवस्था हो।